Hi everyone, Namaskar, Salaam, Satriyakal, Welcome back to Deep Soul in One Channel. आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. सुबह का टाइम है, अराउंड 10 o'clock हुए होंगे और सुबह का जितना भी काम होता है वो सब कुछ डन हो चुका है. दिया बाती सुबह हस्बैंड ही कर देते हैं क्योंकि उनको ऑफिस टाइमिंग से अपना तैयार होना होता है, तो वो जल्दी नहा लेते हैं मुझसे. तो उन्होंने दिया बाती कर दिया था, बस मैं नीचे आके एक बार भगवान जी के आके हाथ जोड़ लेती हूँ, थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ, कुछ मन्नत होती हैं वो मांग लेती हूँ. इसके बाद सीधे बस मैं किचन में आई हूँ और अभी यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट्स कट करूँगी. एक्चुअली मेलन लेकर आए थे, ये गालिया मेलन होता है और ये बहुत मीठा रहता है, बहुत टेस्टी. वाटर कंटेंट इसमें इतना ज़्यादा होता है कि बिल्कुल ना लाइक भूख नहीं लगती है इसको खाने के बाद, और बहुत ही सेटिस्फाइंग सी फीलिंग आती है. तो दिन में 2 या 3 बार मैं फ्रूट लेती ही लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके. आपने मेरा पहला रूटीन भी देखा होगा पिछले 2 दिन की जो वीडियो है, कि मैं कभी आधा एप्पल ले रही हूँ, कभी कोकोनट ले रही हूँ, कभी कुछ ले रही हूँ. तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स मैं दिन में 2-3 बार लेती हूँ. तो ये आधा मैंने कट कर लिया है, आधा मैं रैप लगा के रख दूँगी इसको, या तो मैं शाम को कट करूँगी जब अद्वी स्कूल से आ जाएगी, उसको भी ये पसंद है, और आधा फिर मैं अभी कट कर लूँगी, या फिर जो बचा हुआ है बाई चांस अगर शाम को नहीं खाया गया तो फिर नेक्स्ट डे, तो फ्रिज में सही रहता है. अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कमेंट आया था कि आप तरबूज का या खरबूजे का जूस भी निकाल के दिखाइए. तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह के फ्रूट हैं जिनका जूस निकालने की ज़रूरत है. ऑलरेडी इनके अंदर इतना ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है कि किस तरह से इनका जूस निकाल लें. तो इनको मैं इसी तरह से होलसम खाना पसंद करती हूँ. मैंने आज तक कभी इनका जूस नहीं निकाला. ऐसा नहीं है कि नहीं निकाला जाता, बहुत सारे लोग निकालते हैं, बट आई डोंट प्रेफर. और रही बात खरबूजा शेक या फिर तरबूज का शेक, तो पता नहीं क्यों मन में कभी इन फ्रूट्स को जो है वो दूध के साथ कंबाइन करके इनका जो टेस्ट आएगा ना, वो मैं इमेजिन नहीं कर पाती हूँ कि वो कैसा लगेगा. एंड शेक इज़ ऑल मीन कि आप फ्रूट जो भी ले रहे हैं उसके साथ आप मिल्क को ऐड करें. आई डोंट नो कि वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, हेल्दी है नहीं है. ऑफ कोर्स मिलता है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, इवन जो शेक कॉर्नर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी मिलता है, बट मुझे ये फ्रूट ऐसे ही अकेला खाना पसंद है, इसलिए मैं कभी भी घर में खरबूजे या तरबूज का जूस या फिर शेक वगैरह नहीं बनाती हूँ. तो ये था रिप्लाई उस कॉमेंट का. तो इसी तरह से ये टेस्टी लगता है. तो फ्रूट मैंने कट कर लिया है और इस टाइम तक हस्बैंड जो है वो भी एक बार नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं. तो हमारा ये फ्रूट ब्रेक होता है, थोड़ी सी वार्तालाप हो जाती है यहाँ पर, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं. तो बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा बोरिंग सा फील होने लगता है, वही काम करते रहो. और इनका वैसे भी लैब वर्क होता है लेकिन घर पे होते हैं तो वो काम तो है नहीं, सिर्फ राइटिंग का काम है, तो इंसान बोर हो ही जाता है. तो 2-3 बार फिर ये नीचे आते हैं, कभी वाटर ब्रेक हो रहा है, हालांकि वाटर बॉटल ऊपर रहती है, बट स्टिल इनका वाटर ब्रेक होता है और ये नीचे आते हैं. अब जैसे ये फ्रूट ब्रेक हो रहा है, फिर लंच ब्रेक होगा, फिर टी ब्रेक होगा, तो इस तरह से ये ब्रेक होते रहते हैं. तो चलिए यहाँ पे अब हम फ्रूट्स इंजॉय करते हैं और इसके बाद फिर बाकी के ढेर सारे काम हैं वो शुरुआत करेंगे. ये है मेरी पोटैटोज़ और ऑनियन की एक बास्केट, इसमें 4 ये इस तरह के शेल्फ हैं, 4 टेयर है ये. तो ग्रोसरी आई थी, मैंने साहब को बोला था कि ये पोटैटोज़ और अनियन जो है ना ये आप उसमें रख दो.
तो मैं हमेशा इनको पॉली बैग से निकाल के रखती हूँ और उन्होंने ये ऐसे ही भर दिए। और ये होती है दिक्कत उन लेडीज़ के साथ जिनको हर काम जो है वो परफेक्ट जैसा वो चाहती हैं वैसा ही मिले, और हस्बैंड जब वैसा ना करें तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बाकी कुछ शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने यही अरेंज करनी शुरू करी। तो मैं पॉली बैग में से निकाल के सारी चीज़ें लगाऊंगी, इसको अच्छे से टाइडी करूंगी। और जैसे प्याज होती है ना, उसके बहुत सारे छिलके ना वो लूज़ होते हैं तो फिर वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, फिर बिना बात इतना सफाई का काम रहता है, तो वो मैं साथ के साथ निकाल देती हूँ। और यहाँ पर रखी हुई है अरबी, जिनका मुझे पता ही नहीं कि वो घर में कब आई थी लिटरली, क्योंकि ये ना एक बैग में होता है सामान, आलू प्याज इस तरह का, तो वो मैं इनको बोल दिया कि हाँ ये भारी है, ये आप उधर ले जाके उसमें रख दो, और इन्होंने वो ऐसे ही भर दिया। तो वो अरवी जो है वो रखी रखी, अरवी जो भी बोलते हैं, वो रखी रखी दो उसमें से ख़राब भी हो गई। तो कभी कभी ऐसे काम भी होते हैं, वो पीछे छुपी रही, मुझे दिखी नहीं, सामने से मैं आलू ले गई, कभी प्याज ले गई, तो वो उनका मुझे पता ही नहीं लगा। तो खैर आज मैंने अच्छे से ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइडी कर दी हैं। रेड अनियन उसकी सेपरेट बास्केट में, जो वाइट अनियन मैं कुकिंग में यूज़ करती हूँ वो, तो मन को बड़ी तसल्ली हुई जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से लग गई। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है नीचे बैठने में, बट मैं बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में थी, तो ऐसा मत सोचना कि दीपिका ऐसे ही बैठ गई। मैं ध्यान रखती हूँ, जितना आप लोग मेरा ध्यान रखते हैं उतना ध्यान मैं भी अपना रख रही हूँ, बट थैंक यू सो मच आप इतना नोट करते हैं। सो नाउ जस्ट लुक एट इट, अच्छी लग रही है ना। और आलू प्याज के बीच की जो शेल्फ है उसको मैं एम्प्टी रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं जब साथ साथ आप रखते हैं तो आलू स्प्राउट होने लगते हैं। तो प्याज और आलू के बीच की जो शेल्फ है उसमें मैं एक्स्ट्रा पोस्ट वगैरह जो आती है ना वो रख देती हूँ। मंदिर का एक कपड़ा रहता है थोड़ा बहुत डस्टिंग करने के लिए, वो वहाँ पे रखती हूँ। अब हम आ गए हैं किचन में आज का बहुत ही डिलीशियस सा लंच बनाने के लिए। और इस बीच में मैंने अपना थोड़ा सा यूट्यूब से रिलेटेड काम किया है, एडिटिंग वगैरह, वीडियो पब्लिश करना, थोड़े बहुत कमेंट्स के रिप्लाई करना, एक दो फ़ोन कॉल्स, तो वो सारा काम इस दौरान हुआ। और इसके बाद सीधा बस अब मैं किचन में आई हूँ और यहाँ पे अब हम लंच की तैयारी शुरू करेंगे। तो लंच में आज बनने वाली है बहुत ही टेस्टी सी भरवा भिंडी की सब्जी। इसके साथ में हम बनाएंगे एक डिफरेंट स्टाइल की कढ़ी, और राइस होंगे, रोटी, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले राइस मैंने ले लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश करके और मैं सोक करके रख दूँगी, ताकि जब तक बाकी की चीज़ें डन हो तब तक राइस अच्छे से सोक हो जाए। तो भरवा भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम भरवा मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून लिया है होल कोरिएंडर सीड, धनिए के जो बीज होते हैं। तो मैं ये काफ़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ ताकि आगे भी काम आए, बाकी आप रिड्यूस कर सकते हैं रेशो। मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बताऊँगी तो आप उसी हिसाब से बनाएं। तो 4 टेबलस्पून यहाँ पे धनिया सीड लिया है, 1.5 टेबलस्पून मैंने जीरा लिया है, क्यूमिन सीड्स, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स लिए हैं राई के। इसके बाद 1/3 टेबलस्पून मैंने लिया है मेथी का, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे फेनल सीड सौंफ का लिया है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी, ये मैंने ली है 1/2 टेबलस्पून। तो ये सारी चीज़ें इस रेशो में हमको लेनी है, इनको प्लीज़ अप डाउन बिल्कुल मत करना। रेशोज़ आप वैसे कम कर सकते हैं कि मैंने 4 टेबलस्पून लिया है तो आप 2 टेबलस्पून धनिया ले लें, लेकिन उसी के हिसाब से फिर आप जीरे की क्वांटिटी को भी रिड्यूस करें। तो अकॉर्डिंगली आपको रेशोज़ बनानी है। अब हमें इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, एंड मेक श्योर मेथी जो हमने ली है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि मेथी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके मसाले को कड़वा कर देता है।
तो यहाँ पे ये रोस्ट हो गए हैं, लेकिन स्मोकिंग नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। उसको मैंने ऐसे ही पैन में छोड़ दिया है, फ्लेम ऑफ कर दी है, लेकिन पैन जो है वो अभी भी गर्म है। यहाँ पे भिंडी जो है इनको मैं तैयार कर रही हूँ। पहले से ही मैंने ये वॉश करके ड्राई करके फ्रिज में रखी हुई थी, तब मैं अपना मील प्रेप करती हूँ वीकेंड में, तब ये सारे काम कर देती हूँ। अब मैंने इनका हेड एंड टेल जो है वो कट कर लिया है, और इसके बाद मैं इनको बीच से इस तरह से स्लिट लगाऊंगी कि जो हमारा चाकू है वो थ्रू ना जाए, बस इसके अंदर एक स्लिट हो, और भिंडी को आप चेक कर लें कि कहीं कोई अंदर उसमें कीड़ा वगैरह ना हो। और यहाँ पे मैंने मसाले को एक बार फिर से चलाया है, क्योंकि पैन हमारा गर्म था, तो कई बार होता है ना कि हीट की वजह से वो नीचे का जो मसाला होता है वो जल जाता है, तो गरम पैन जो है आप उसमें एक बार चला दें उसको, तो वो इक्वल रहेगा, अदरवाइज आप उसको किसी प्लेट में निकाल के रख लें। और यहाँ पर मैंने थोड़ा पनीर भी काट दिया है और दो प्याज भी मैंने पील करके रख ली हैं। तो अब हम यहाँ पर कढ़ी का घोल बनाएंगे, क्योंकि मसाला हमारा भी जो भरवा मसाला है वो ठंडा नहीं हुआ है, तो हम बाकी के काम निपटा लेते हैं तब तक। तो यहाँ पर लगभग मैंने एक कप के करीब पानी लिया है ब्लेंडर जार में, और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून भर के ऐड करने वाली हूँ बेसन के। इसके बाद हम ब्लेंडर जार में इसको अच्छे से चला लेंगे, इस तरह से काम थोड़ा सा इजी हो जाता है और बेसन में बिल्कुल भी लंप नहीं रहता है। तो यहाँ पे बेसन और पानी जो है वो बिल्कुल अच्छे से घुल गया है। फिर मैंने यहाँ पे लो फैट नेचुरल योगर्ट ली है, दही आप घर की भी ले सकते हैं, मेरे पास जो घर की दही थी वो जमी हुई नहीं, इतनी क्वांटिटी में नहीं थी कि कढ़ी बन जाए, तो ये वाला एक जार रखा था तो मैं इससे बना रही हूँ, और ये बिल्कुल सस्ते वाली दही होती है और इससे कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है, आप ट्राई करके ज़रूर देखना। तो दही डाल के भी मैंने एक यहाँ पे पल्स लगा लिए, तो दही बेसन पानी जो है वो अच्छे से हो गया है, और बाकी पानी इसमें अभी और भी जाएगा, तो हमारा जो कढ़ी का घोल है वो तैयार हो गया है। साथ ही भिंडी हमने कट कर ली है, प्याज वगैरह पील कर ली है, तो सारे काम जो है वो साथ साथ यहाँ पे चलते ही जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कढ़ी का तड़का बनाएंगे, और आज की जो कढ़ी है ना वो एक्चुअली अद्वी की रेसिपी है, वो बहुत दिनों से बोल रही थी कि मम्मा कढ़ी को इस तरीके से बनाओ, देन आई वाज लाइक कि चलिए आज ट्राई करते हैं, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि कितनी टेस्टी ये कढ़ी बनी है। तो मैं इस वाली कढ़ाई में आज कढ़ी बनाने वाली हूँ, ये चिकनाई की ही रखी हुई थी, इसमें मैंने सरसों का तेल जो है वो पकाया था, तो जो तेल है वो मैं अपने इस कंटेनर में डाल दूंगी और इसी कढ़ाई में फिर मैं कढ़ी में तड़का लगा दूंगी। तो सरसों का तेल ही हम मोस्टली यूज़ करते हैं और हमेशा जो है वो मैं पका के ही यूज़ करती हूँ। इसके बाद जो एक प्याज है उसको मैं मैनुअल चॉपर में डालूंगी और इसको हम फाइनली चॉप कर लेंगे कढ़ी के लिए। चलिए यहाँ पे हम पनीर वाली कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल है, जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हींग, इसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें मेथी दाना डाला है, 1/2 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है और 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी है। इनको एक बार अच्छे से हम यहाँ पर भून लेंगे, मेथी जो है वो अच्छे से तड़क जानी चाहिए, क्रैकल हो जानी चाहिए, उसके बाद ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर फाइनली चॉप की हुई मैंने प्याज ऐड कर दी है और इसके बाद हम प्याज को बिल्कुल थोड़ा सा ही भूनेंगे, इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस हल्की सी लाइक 10-20% ये कुक हो जाए। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे पनीर। मेरा जो पनीर है ये स्टोर बॉट है, तो मैं इस तरह से डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपका घर का बना हुआ या डेयरी का वो बिल्कुल सॉफ्ट वाला पनीर है तो आपको इस पॉइंट पर पनीर ऐड नहीं करना है, आप चाहें तो उसको अलग से किसी पैन
में हल्का सा शैलो फ्राई करके रख लें और बाद में ऐड करें, क्योंकि जो घर का बना हुआ पनीर होता है ना, कई बार वो हल्का सा टूटने लगता है जब आप इतना चलाते हैं, तो वो थोड़ा सा हो जाता है ना, सॉफ्ट रहता है बहुत। ये वाला पनीर थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो इसीलिए इसमें मैं पानी भी डालती हूँ, और फिर पकते पकते ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है जैसे घर का बना हुआ या डेयरी का बिल्कुल सॉफ्ट वाला होता है। तो यहाँ पे पनीर को मैं साथ साथ शैलो फ्राई कर रही हूँ, और साथ साथ ही जो प्याज है हमारी वो भी अच्छे से भुन जाएगी। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी रेसिपी को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस तरह के भी इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद जब ये शैलो फ्राई हो जाए प्याज और पनीर, तब मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है। इसके बाद जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब मैंने ऐड कर दी है। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश कुटा हुआ या फिर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लगभग एक टेबल स्पून के करीब। साथ ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना, और बहुत ही प्यारा सा इनका एक कलर आ जाए। अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे, जब तक कि पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। मीनवाइल जो हमारा ये मसाला है, जो भरवा मसाला हमने तैयार किया है, इसको मैं ब्लेंडर जार में डाल के, और इसको बिल्कुल बारीक हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। साथ ही मैंने इसमें आधा टेबल स्पून के करीब ऐड किया है अमचूर पाउडर, इससे बहुत अच्छी खटास आती है। और साथ ही टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट आप इसके अंदर ऐड करें, वाइट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसका बिल्कुल फाइन आप इस तरह से पाउडर बना लें। इसके बाद आप इसे किसी भी बोल में निकाल लें, और जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि ग्राइंड करते हुए हीट जनरेट होती है, तो अगर गरम गरम को ही आप जार में करके रख देंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी मसाला पीसें ना, तो उसको पहले एक बार अच्छे से ठंडा हो जाने दें, फिर आप उसको स्टोर करके रखें, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो मसाला वो उधर हमने पीस के रख लिया है, इधर जो हमारा पनीर प्याज वाला मसाला है ये बिल्कुल डन हो गया है, पानी बिल्कुल सूख गया है, जितना भी ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने दही बेसन पानी का घोल बना के तैयार किया था। और दही जो है वो 500 ग्राम थी, यानी कि आधा किलो दही थी, कप के हिसाब से नापे तो लगभग 2.25 कप के करीब होगी, लेकिन वो दही थोड़ी सी पतली होती है। और इसके अंदर ऑलमोस्ट 4 से 5 कप मैंने पानी ऐड करा है, जो शुरुआत में ब्लेंडर में भी डाला था और बाद में जो अब मैंने ये ऐड करा है। लेकिन हर चीज़ डिपेंड करती है कि बेसन जो है वो पतला मोटा पिसा हुआ तो नहीं है, दही आपकी कितनी थिक है, या फिर अगर आप मट्ठे छाछ से बना रहे हैं तो उसकी किस तरह की कंसिस्टेंसी है। तो कढ़ी एक ऐसी चीज़ है जो तजुर्बे से आती है, और आप अपने आप अपने मेजरमेंट लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे साहब भी आ गए हैं अपने सेकंड ब्रेक पे, और क्योंकि कढ़ी को लगातार चलाना होता है जब तक कि बॉयल ना आ जाए, तो मैं वो चला रही थी देन ही गेम कि चलो मैं चला लेता हूँ, तब तक तुम भिंडी की तैयारी कर लो। तो यहाँ पे जब तक कढ़ी में बॉयल नहीं आ रहा, तो साहब कढ़ी को चला रहे हैं, और उधर जो भिंडी है उसमें बस अब मैं मसाला भर के तैयार कर लूँगी। और ये वाली जो भिंडी है ये हम ड्राई मसाले से ही तैयार करेंगे, बाकी जो वो प्याज के साथ या फिर थोड़ा सा तेल डाल के जो बनाई जाती है, लाइक भिंडी के अंदर मसाला भरा जाता है, वो मैंने पहले भी शेयर किया है, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। ये वाली जो भरवा भिंडी है ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की है, बहुत क्रिस्पी बनती है, इसका कलर बिल्कुल रिटेन रहता है, एंड इट इज़ सुपर फंटेस्टिक, सो ट्राई ज़रूर करना। और जो ये मसाला हमने तैयार किया है ये तो वर्सटाइल है, आप किसी भी सब्जी वगैरह में, जो भी भरवा सब्जी आप बनाएं, आप उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। तो भरना भी बहुत आसान है, बस बिल्कुल इस तरह से स्लिट जो है वो हल्का सा उनको ओपन करें, उसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डाल, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही मसाला आपको डालना है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा एक भरवा मसाला है, लेकिन आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग, के जैसे अगर आपको भरवा बैंगन बनाना है तो आप इसमें थोड़ी सी रोस्टेड पीनट का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रश्ड कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। सो बेसिक पता हो देन यू कैन प्ले अराउंड विद योर रेसिपीज़। सो ये एक बेसिक मसाला है, और यहाँ पे जो कढ़ी है हमारी इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है, और 2-3 मिनट हो भी गए हैं इसको इस तरह से बॉयल आते हुए। अब हम इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गरम मसाला, और गरम मसाले का जो फ्लेवर होता है ना कढ़ी में, ओ माय गॉड,
बहुत अच्छा आता है। तो इस स्टेज पे आप गरम मसाला डाल दें, इनको अच्छे से चला दें और अब कढ़ी को सिम हीट पे करके आप छोड़ दें लगभग आधे घंटे के लिए। बीच बीच में आप इसको चलाते रहें, लेकिन आधा घंटा तो मिनिमम है यार। कढ़ी जब तक अच्छे से कढ़े ना तो वो कढ़ी नहीं होती, तो इसको जो है वो अच्छे से कढ़ने दो, तभी इसका असली टेस्ट निकल के आता है। तो कढ़ी तो अब हमने छोड़ दी है, उसको बस बीच में एक आध बार चला देंगे, वो होती रहेगी। और इधर हम जो है वो भिंडी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने अपना स्टोनवेयर लिया है और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तेल जैसे ही गर्म हुआ है, थोड़ा सा मैंने उसमें हींग डाला है, हींग को अच्छे से भुनने देंगे। इसके बाद मैंने इसमें अजवाइन डाली है आधे चम्मच के करीब, कैरम सीड्स, आधा चम्मच ही मेथी दाना मैंने ऐड करा है और आधा चम्मच ही इसमें मैंने जीरा ऐड करा है। तो ये तीन मसाले इसमें जाएंगे। इसके बाद जिंजर गार्लिक की जो फ्रोजन क्यूब है वो एक मैंने ऐड कर दी है, और जो एक प्याज थी उसको मैंने ऐसे थिनली स्लाइस कर लिया था जूलियंस में, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे और प्याज को हम हल्का सा ही भूनेंगे, हमें इसको बिल्कुल नहीं पकाना है कि इसको 100% हमें कुक करना है। भिंडी के साथ साथ ये अपने आप हो जाएगी। हल्दी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है और इसको चला दें। सॉल्ट डाल दें यहाँ पे प्याज के हिसाब का, क्योंकि जो हमने वो भरवा मसाला बनाया है उसमें ऑलरेडी साल्ट है, तो जो हमारी भिंडी है उसके अंदर हमने उस मसाले को भरा है, तो भिंडी जो है वो ऑलरेडी सॉल्टी है। तो नमक का जो है वो हिसाब रखें कि आपको कितना डालना है। हरी मिर्चें यहाँ पे लंबी कटी हुई मैंने ऐड कर दी है, इसको भी हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। और उसके बाद जो हमारी ये भिंडी है भरी हुई वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जितना कुछ अब इसके अंदर जाना था वो सब कुछ चला गया है, बस अब हमें भिंडी को पकाना है। तो थोड़ी देर के लिए भिंडी को उल्टे पलटे ना बिल्कुल इसी तरीके से आप छोड़ दें, गैस को कर दें बिल्कुल सिम पे, और ये इसी तरीके से बिल्कुल रोस्ट होती रहेंगी। और उसके बाद आपको इनको मिक्स करना है, लेकिन फोल्ड करते हुए, रिग्रेसली ना मिक्स करें कि चमचे को बस घुमाए जा रहे हैं, इसको फोल्ड करना है ताकि जो मसाला है वो अंदर तक पके और भिंडी से बाहर ना निकले। फोल्ड करके आप इसको इस तरीके से थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, और ये इतनी अच्छी बनती है ना, कलर बिल्कुल ग्रीन रहता है इस भिंडी का। कवर करके 2-1 मिनट आप इसको पकाएं। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो बहुत जल्दी डन हो जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हमें इसको बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है, हमें इसका एक क्रंच रखना है। मतलब कच्ची भी ना रहे ये, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल मशी ही हो जाए, खड़ी खड़ी सी रखनी है हमें। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को थोड़ा सा कट करके देखा है, तो हो गई है, बस जरा सी कसर बाकी है जितनी हमें चाहिए। तो अब मैं इसको इस तरह से छोड़ दूंगी, तो ये भी 1-2 मिनट और लेगी और भिंडी हमारी बिल्कुल यहाँ पे डन हो जाएगी। फाइनली बस थोड़ा सा आप इसके अंदर नींबू निचोड़ दें, इससे अगर भिंडी में बाई चांस थोड़ा बहुत भी लेस निकला है ना तो वो ख़त्म हो जाता है। हालांकि इस वाली रेसिपी में बिल्कुल आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसमें से कोई लेस निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नींबू डाल दें, खटास आ जाता है उससे, और अब चाहें तो आप इसमें ढेर सारा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, बट मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। तो भिंडी हमारी यहाँ पे डन हो गई है, एंड जस्ट लुक एट दी कढ़ी, कढ़ी कितनी टेस्टी लग रही है। बिल्कुल इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। तो कढ़ी भी हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो गई है, और आप देख सकते हैं कि वो कितनी रिड्यूस हो गई है कढ़ते कढ़ते। तो मेरे ख्याल से मैंने इसको 40 मिनट के करीब अच्छे से पकाया है, और यहाँ पे कढ़ी हमारी डन है। ऊपर से तड़का वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ये बिल्कुल डन हो चुकी है। और बस अब मैं फुलके भी सेक लूँगी, राइस जो है वो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। मीनवाइल क्लिप रिकॉर्ड नहीं करी उसकी, क्योंकि सेम वही उबले हुए चावल ही हैं। और अब मैं एक सवाल का जवाब दे देती हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दीपिका आपकी डिलीवरी के टाइम पे इंडिया से कोई आएगा क्या, या कौन आ रहा है आपकी फैमिली से? सो अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं आ पाएगा। मेरे पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ कंडीशन दोनों ही हार्ट पेशेंट हैं, तो वो लोग भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। मेरे सास ससुर वो भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। भाभी जो है मेरी, ऑब्वियसली उनको मम्मी पापा के पास रहना है, और ससुराल में और
कोई यह सच है नहीं, मेरी दीदी वो भी अपने घर में अकेली है, मेरी नंद वो भी अपने घर में अकेली है, तो एवरीवन इज़ बाउंड इन देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कोई नहीं आ पाएगा। मन सबका है बट वही है कि किसी के पास ऑप्शन नहीं है, ना मैं जा सकती हूँ ना वो लोग आ सकते हैं, और वैसे भी अभी इंडिया जो है वो रेड लिस्ट में है, बट होता चाहे ना होता वो ऑप्शन था ही नहीं कि कोई आए इंडिया से। अदवी के टाइम पे भी कोई नहीं आ पाया था, तो हमने तब सब कुछ कर लिया था मैनेज। और यू नो यहाँ पे लोग कर भी लेते हैं, यहाँ पे नहीं है इस तरह का कि कोई फैमिली से आए, हम देसी लोगों को ही रहता है कि कोई आ जाए फैमिली से, हो जाता है मैनेज। अदवी के टाइम पे हम लोगों ने अकेले सब कुछ कर ही लिया था, तब तो हम कुछ जानते भी नहीं थे। अब तो ये है कि फिर भी हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और फिर एक कहावत है ना, हिम्मत मरदा ते मदद खुदा, तो बस हिम्मत रख रहे हैं, पहली बार कर लिया था तो इस बार भी कर लेंगे, बस बड़ों का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों का इतना सारा प्यार है तो सब कुछ हो ही जाएगा। तो ये उस सवाल का जवाब था कि कोई नहीं आ पाएगा। अच्छा, भरवा मसाला जो है वो मैंने जार में करके रख लिया है, और ये है हमारी आज की बिल्कुल टेस्टी लंच थाली। आज का जो व्लॉग है वो मैंने रात तक रिकॉर्ड किया है, लेकिन वही वीडियोस मेरी लंबी हो जाती हैं, तो इस पार्ट को बस मैं यहीं पे एंड करूँगी और लंच तक का रहने दूँगी। लंच के बाद जो हुआ है वो फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैं इसी तरह करके अपनी वीडियोज़ जो हैं कई बार स्प्लिट कर देती हूँ, क्योंकि इतना कुछ होता है दिखाने और बताने के लिए कि बस लंबी हो ही जाती है। तो लंच थाली वाज सो टेस्टी, और ये देखिए गुलाब कितने प्यारे खिले हैं, एक लिली भी खिल गया है, तो आजकल जो है वो गार्डन में देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए इसी प्यारे प्यारे फूलों के साथ, इस रंग के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।